राजस्थान के बारा शहर में बारा झालावाड़ रोड पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पिछले 2 महीने से रुका हुआ है। इससे शहर की 40% आबादी सहित झालावाड़ के लिए आवाजाही करने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। झालावाड़ रोड पर व खजूरपुरा तिराहे के पास पिलर ट्रिलिंग का कार्य करने के बाद काम बंद कर दिया है। काम शुरू होने के बाद बड़े साधनों को डाइवर्ट कर निकाला जा रहा है। वहीं दोपहिया व चौपहिया वाहनों को सिंगल लेन में निकाला जा रहा है। इसके साथ ही अब काम बंद होने के बाद भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर दिन भर में कई बार लोगों को घंटों लंबे जाम का सामना करना पड़ता है। इसके कारण लोगों का पेट्रोल के साथ साथ समय भी बर्बाद हो रहा है। आपको बताते चलें, बारा शहर में तेल फैक्ट्री फाटक पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के कार्य की समीक्षा को लेकर मिनी सचिवालय सभागार में खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बैठक ली थी और कार्य शुरू करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उसके एक माह गुजरने के बाद भी मौके पर कोई काम नहीं हुआ, जबकि मंत्री भाया ने आरओजी निर्माण में संवेदक की ओर से बरती जा रही ढिलाई को लेकर नाराजगी जताई। ये आरओबी का काम बंद होने का मुख्य कारण है, कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है। इसको कई बार आरएसआरडीसी ने नोटिस भी जारी किए हैं, लेकिन उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। संभवतः रेट्स बढ़ गए मटेरियल की, इसलिए वो काम शायद करना नहीं चाहता, लेकिन आरएसआरडीसी उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है नियमानुसार कार्रवाई करेगी और शीघ्र काम शुरू करवाने का प्रयास करेगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।